आम आदमी पार्टी से निष्कासित नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा के बातों पर गौर करें तो उनका यह कहना है कि केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए कैश लिए, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। शाम को मैंने कपिल मिश्रा जी को बुला के मुख्यमंत्री जी की जानकारी दी थी कि वो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं। उन्हें उसकी वजह भी बताई थी कि पिछले दिनों बहुत सारे एमएलए से मुलाकात होने के बाद ये बात बार बार सामने आई है कि लगभग सारी विधानसभाओं में पानी को लेके बहुत तराई तराई मची हुई है और बहुत एमएलए परेशान थे पानी को लेकर। पूरे दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खास तौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। अब उसके बाद आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है, इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद राजनीति गलियारे में आम जनता आम आदमी पार्टी के इस फैसले से चकित है।